खबर है देवास की, जहां भोपाल राज्य मार्ग टोल प्रबंधक तथा समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिरोज खान को राजस्थान के जोधपुर में सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, जहां पर खान ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई गुर सिखाए। फिरोज खान ने बताया कि अपनी सुरक्षा के साथ दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है और यह कैसे की जानी चाहिए। आपको बता दें कि जोधपुर पाली एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड के गाजनगढ़ टोल के पास ओम बन्ना स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामाजिक दायित्व निर्वहन कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश से पहुंचे फिरोज खान वाहन चालकों को यातायात नियम संबंधित जानकारी दी और उनका पालन कर अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान का भी ख्याल कैसे रखा जाए इसके बारे में बताया। तो वहीं टोल प्रबंधक पवन गोटवाल ने दुर्घटना से देर भली का संदेश दिया और बताया कि कभी भी धैर्य खोकर जल्दबाजी ना दिखाएं, हेलमेट लगाकर दुपहिया वाहन चलाएं। मैनेजर फिरोज खान विनीत श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क पर ध्यान केंद्रित करने का महत्व बताते हुए कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय अपना ध्यान इधर उधर भटकाना दुर्घटना का कारण बनता है। यातायात नियम रोड सांकेतिक चिन्हों के उपयोग की सीख के साथ ट्रैफिक नियम का पालन करते ही की अपील की। डाटा है, मतलब एनसीईआरटी रिपोर्ट के अनुसार 169,170 आदमी राष्ट्रीय राजमार्ग में अपनी जान गंवा दी है। मतलब प्रतिदिन 24 घंटे में 500 आदमी इस रोड नहीं, मतलब जो भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग है, पूरे भारत में 500 लोग 24 घंटे में अपनी जान गंवा रहे हैं। कारण सबको मालूम है कि हेलमेट लगाइए, यातायात के नियमों का आप लोग पालन कीजिए, सीट बेल्ट लगा चलिए, तीन आदमी गाड़ी मत रखो, और आपके पड़ोस आपके यहाँ मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल है तो हमेशा हेलमेट लगा के जाओ, हेलमेट लगा के निकलो। मतलब प्रतिदिन 500 लोग मर रहे हैं और हर 3 मिनट में एक आदमी मर रहा है रोड पे। तो उनकी मौत तो आज जो दुर्घटनाएं हो रही हैं पूरे विश्व में, अपने जो भारत है उसका प्रथम स्थान है। मतलब जो दुनिया में जितनी रोड है उन सब में जो अपना भारत भाई साहब है उनमें सब में प्रथम नंबर अपना है कि हम लोग के यहाँ दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही है। तो हालांकि मैं अकेले, मेरे बोलने से बोलने वाला है नहीं, हम 5 लोग बोलेंगे, आप 5 बोलोगे तो मुझे लगता है बोल बोल के पूरा अपना काम हो जाएगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि जो यातायात के नियम है उनका पालन करिए, आप लोग हेलमेट लगा के चलिए, गाड़ी नहीं भी है तो घर में जो निकलते हुए उनको बोलोगे बाबू जी हेलमेट लगा ही लो यार, कहीं परेशान हो, 2 मिनट की बात, आप हेलमेट लगा के जाएँ। जो बड़ी गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठते हैं, आप लोग बस से आए होंगे, किससे आए होंगे, तो आप उनको ये बोलो कि ड्राइवर साहब पहले आप सीट बेल्ट लगाओ, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। तो मतलब ये कुछ भी कोई बड़ा काम नहीं भाई साहब, लेकिन असर होगा। हम आपको बोलेंगे, आप इनको बोलोगे, माता जी है, दीदी है, सब कोई है, अगर घर में गाड़ी आड़ी है तो उनको बोलो कि भैया घर से निकलो, हेलमेट लगा के जाओ आप लोग, और गाड़ी है आप किराए गाड़ी लेके आए हो तो ड्राइवर को पहले बोलो कि ड्राइवर साहब बेल्ट लगा लो यार। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।